भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद अब और गहराया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प, भारतीय सेना का अफसर और दो जवान शहीद। तो वही हिंसक झड़प में चीन के 5 सैनिकों की भी हुई मौत। चीन ने इस हालात को शांत करने के लिए बैठक करने की कही बात। एलएसी पर हिंसक झड़प के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली बैठक। सीडीएस सहित तीनों सेना अध्यक्षों के साथ किया मंथन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर। हिज्ब के 3 आतंकियों को मुठभेड़ में किया ढेर। शोपियां में पिछले 10 दिन में 17 आतंकी मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की पाकिस्तान की कोशिश का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान को अपने गिरिबान में झांकने की दी हिदायत। और व्हाट्सएप के जरिए पैसे भेजना होगा, फोटो भेजने जितना आसान। ब्राजील में व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया पेमेंट फीचर। क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से व्हाट्सएप पे भारत में अब तक नहीं हुआ ऑफिशियल। ऑस्कर अवार्ड्स पर भी पड़ा कोरोना वायरस का असर। ऑस्कर सेरेमनी को फरवरी से अप्रैल के लिए किया गया शिफ्ट। अब 25 अप्रैल 2021 को होगी आयोजित। कब थमेगी कोरोना महामारी? दुनिया भर में मरीजों की संख्या हुई 81 लाख के पार। तो 4,36,000 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। 42 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 3,43,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। 9,900 मरीजों की मौत, तो वही 1,80,000 ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बढ़ता ग्राफ। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13,000 के पार। तो कोरोना से अब तक 300 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर पीएम सीएम का संवाद। पीएम मोदी बोले, अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के दिखने लगे हैं संकेत। तो सीएम अशोक गहलोत कल रखेंगे अपनी बात। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लेने की मांग। सोनिया गांधी ने लिखा, सरकार का फर्ज बनता है लोगों के संकट को दूर करें। प्रियंका गांधी ने किया यूपी सरकार पर वार। पशुपालन विभाग में हुए घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है उत्तर प्रदेश सचिवालय। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। सांस में लेने में दिक्कत के बाद में अस्पताल में कराया गया भर्ती। रिपोर्ट आई कोरोना नेगेटिव। दिल्ली से सामने आया हैरतअंगेज मामला। क्वारंटीन महिला डॉक्टर के घर के दरवाजे रस्सी से बांधे। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने कहा, डीएम का था आदेश। डीसीपी बोले, से हटवाकर ठीक करवाएंगे और टेप लगवाएंगे। यूपी में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत कंपनी को नोटिस जारी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिया कंपनी को नोटिस। कंपनी ने 88 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कंपनी पर लॉकडाउन की गाइडलाइंस को दरकिनार करने का आरोप। यूपी के लखनऊ वीवीआईपी गेस्ट हाउस की दीवार पर लगाए गए विवादित पोस्टर। सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर लगाए पोस्टर। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी रोडवेज बस। हादसे में परिचालक की मौत, चालक सहित 8 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या से हड़कंप। बदमाश इरफान पर हत्या का आरोप। युवक की पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या। ग्रामीणों ने शव को खेत में रखकर किया प्रदर्शन। यूपी के फिरोजाबाद में सट्टा माफियाओं के हौसले बुलंद। सट्टे का विरोध करने पर अधिवक्ता को मारी गोली। पथराव कर 3 लोगों को किया घायल। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ एक बाइक जब्त। दुधवा टाइगर रिजर्व के मैलानी रेंज जंगल में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काया काबू। जंगल के किनारे लगी घास फूस जलकर हुआ नष्ट। तेल कंपनीज ने की हवाई ईंधन की कीमत में 16% की बढ़त। इससे पहले 1 जून को की गई थी 56.5% की बढ़त। हवाई ईंधन की कीमत पर हुई बढ़त से बढ़ सकता है फ्लाइट का किराया। पेट्रोल और डीजल के भावों में भी उबाल। पेट्रोल के डीजल के भावों में लगातार 10वें दिन तेजी। पेट्रोल में प्रति लीटर 50 पैसे की वृद्धि। पेट्रोल 83.63 रुपये प्रति लीटर। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके। श्रीनगर, जोला और किश्तवतर जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके। दुशान में बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। भारतीय रेलवे को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 360 करोड़ रुपए का मिला रेवेन्यू। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का औसत किराया 600 रुपए प्रति यात्री। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बोले, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का 15% खर्च किया रिकवर। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक्टर विवेक ओबरॉय ने ट्विटर पर लिखा ओपन लेटर। विवेक का ट्वीट हो रहा है वायरल। उन्होंने लिखा, काश मैं उसके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर पाता, उसके दर्द को कम करने में मदद कर पाता।
सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्तों को ट्रोल करने वालों पर भड़की एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता। फटकार लगाते हुए एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को जहरीला तक कह डाला। कोरोना रिकवरी रेट को लेकर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा राजस्थान में रिकवरी रेट 75%, ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक। हम ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, फोकस हमें हेल्थ प्रोटोकॉल पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर, सीएमआर में वीसी के जरिए कलेक्टर्स और एसपी से बात। कोरोना के हालातों और जनजागरण अभियान को लेकर की चर्चा। राज्यसभा चुनाव के रण में होटल जेडब्ल्यू मैरिट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले का हुआ सेशन। सेशन में कांग्रेस निर्दलीय सहित बीटीपी के विधायक भी साथ ही मौजूद। राज्यसभा चुनाव के रण में भाजपा विधायक दल की हुई बैठक, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में बीजेपी और आरएलपी के 58 विधायक ही हुए शामिल, सभी विधायकों को होटल में ठहराया गया। प्रदेश में लंबे समय से कोरोना संक्रमण के चलते बंद कॉलेज विश्वविद्यालय खुले, छात्र छात्राओं को नहीं कॉलेज आने की इजाजत मिली है। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को अनुमति, घर बैठे ही कंटेंट करवाया जाएगा उपलब्ध। चूरू के सादुलपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डोकवा गांव के युवक ने बनाई ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन। मशीन को बिना छुए व्यक्ति अपने हाथों को कर सकेगा सैनिटाइज। ये मशीन शादी समारोह और बड़े आयोजन में होगी कारगर। नागौर के कुचामन सिटी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का बढ़ता ग्राफ, एक महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महिला की मां की हो चुकी है कोरोना से मौत। धौलपुर जिले में कोरोना का बढ़ता जा रहा है कहर, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पिछले एक हफ्ते से कोरोना रोगियों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। जयपुर में केंद्रीय श्रम संगठन करेगा विरोध प्रदर्शन, 3 जुलाई को काला छाता लेकर करेंगे प्रदर्शन। जयपुर रेलवे यूनियन कार्यालय पर हुई बैठक, प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा। कोटा एसीबी की टीम ने बारा शाहबाद में की बड़ी कार्रवाई, एसीबी ने 3 रिश्वतखोरों पर कसा शिकंजा। वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक को किया ट्रैप, तो वहीं 13,000 रुपए की रिश्वत के साथ दबोचा। छात्रावास के अटके बिल को पास कराने के लिए मांगी थी फीस। जैसलमेर के नाश्ता में बिजली बिल के निस्तारण के एवज में घूस का मामला, एआरओ और लाइनमैन के साथ जेएन भी शामिल। एसीबी ने जेएन के घर पर दी दबिश, एसीबी की दबिश की भनक लगते ही आरोपी फरार। यूपी सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी गौ हत्या को लेकर विधेयक लाने की मांग जारी। 12 जिले में गौ भक्तों ने राज्य सरकार और गोपालन मंत्री से की विधेयक को लाने की मांग, कहा राजस्थान में भी गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। भीलवाड़ा में प्रेस क्लब ने कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन, फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई करने की मांग। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने बताया समाचार पत्रों से ताल्लुक नहीं रखने वाले व्यक्ति भी कर रहे हैं प्रेस शब्द का उपयोग। श्रीगंगानगर के घरसाना में माकपा ने एसडीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, कृषि उपभोक्ताओं की बिजली माफी सहित अन्य मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, आम जनता पर पड़ रहा है भार। करौली के बंजवाल कस्बे में लोगों ने उपखंड कार्यालय पर किया प्रदर्शन, पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अजमेर में आम आदमी पार्टी ने बिजली बिल माफ करने की मांग, गांधी भवन चौराहे पर किया प्रदर्शन। सीकर के दादारामगढ़ में पैसे नहीं मिलने पर लेकर मनरेगा श्रमिकों ने जताया विरोध, जांच करने पहुंचे विकास अधिकारी की गाड़ी पर किया घेराव, श्रमिकों ने मेहनत का पूरा पैसा नहीं देने का लगाया आरोप। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे सहित गांव में फिर टिड्डी दल की दस्तक, टिड्डी के आतंक से किसान चिंतित, किसान कर रहे हैं टिड्डियों को भगाने का जतन। जयपुर के बस्ती के कानेटी क्षेत्र में प्रशासन की पहल के बाद मनरेगा कार्य की हुई शुरुआत। आपको बता दें कि बोरा की ढाणी में अतिक्रमण के चलते सड़क निर्माण कार्य को कर दिया गया था अवरुद्ध। भरतपुर के बयाना में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, कस्बे में 5 कॉलोनीज में 7 नए ट्रांसफार्मर्स लगवाए गए, गर्मी में फॉल्ट और कम वोल्टेज की समस्या से मिलेगा छुटकारा। अलवर के थानागाजी में चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना, दुकानों से नकदी और सामान किया चोरी, चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश। प्रतापगढ़ के अरनौद में चोरों के हौसले बुलंद, थाने से कुछ ही दूरी पर एटीएम तोड़ने के प्रयास, एटीएम के सुरक्षाकर्मी की सूझबूझ से तली वारदात। जैसलमेर के नाशा में पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा, मामले में 2 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार, पुलिस ने जताई चोरी की कई वारदातों के खुलासे की संभावना। जयपुर के हरमाड़ा इलाके के सफेदा फार्म हाउस के पास सुनसान मकान में मिला युवक का शव, सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। चूरू के तारानगर में किराना की दुकान में लगी आग, दुकान मालिक का लाखों का सामान जलकर खाक, आग से दुकान की टूटी पट्टियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार को दरें करनी चाहिए कम, जनता को मिलनी चाहिए राहत, लॉकडाउन के कारण जनता पर पड़ा भार। लखनऊ के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में घायल हुए जवान का निधन, ट्रेनिंग के दौरान जवान दिनेश सैनी की तबीयत हुई थी खराब, अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ निधन। नागौर की डीडवाना में शोक हुआ है।
दौसा के लालसोट बीजी बनाने वाली महिलाओं ने दी मजदूरी बढ़ाने की मांग। बीजी निर्माताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजी कारखाने का घेराव कर मांगों पर अमल करने की दी चेतावनी। जालौर के भीनमाल में बदमाश बेखौफ। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को उखाड़ कर साथ ले जाने की कोशिश नाकाम। हरियाणा के गिरोह पर शक। मामले की जांच में जुटे पुलिस। भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर बाजार में बिजली की डीपी में लगी अचानक आग। मौके पर मची अफरातफरी। दुकानदारों ने अपनी सूझबूझ से आग पर पाया काबू। मानिकुई उपखंड क्षेत्र के नानसवास गांव में एक घर में लगी आग। हजारों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने की मांग। उदयपुर के सेमारी थाना क्षेत्र के सदकड़ी भमरिया फला में एक युवक की सांप के काटने से हुई मौत। सूचना के बाद सेमारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कर सौंपा परिजनों को। दौसा के बांदीकुई में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। गुड़गांव से अपनी बेटी से मिलने आई महिला मिली कोरोना संक्रमित। हिस्ट्री खंगाले में जुटा प्रशासन। सौंप में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा ग्राफ। 6 मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। सरकार की गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। भरतपुर के डीग कस्बे में कोरोना का बड़ा ग्राफ। 3 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। प्रभावित इलाकों में लगाया कर्फ्यू। शिक्षा विभाग ने शुरू की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी। बीकानेर के खाजवाला में परीक्षा केंद्रों को किया सैनिटाइज। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए 2 उप परीक्षा केंद्र। जैसलमेर के पोखरण में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। प्रधानाचार्य ने बताया सोशल डिस्टेंसिंग की होगी पालना। बिना मास्क के परीक्षा केंद्रों में नहीं मिलेगी एंट्री। बारा के कस्बा थाना में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण। स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ नोटिस देकर कार्रवाई को दिया अंजाम। कुछ लोगों ने तो पक्के निर्माण भी कर लिए। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति के जल संचय को लेकर नई पहल। शहर के खराब पड़े हैंडपंपों को वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ने की कवायद शुरू। भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा। डूंगरपुर में टिड्डी दल के आने से मचा हड़कंप। किसानों ने ढोल बजाकर और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया। कृषि विभाग ने भी कई गांवों में करवाया दवा का छिड़काव। यूपी के मारवाड़ जंक्शन में दिखा टिड्डी दल। किसानों ने बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाया। किसानों में भी मची अफरातफरी। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में युवती ने की आत्महत्या। भाई और भाभी मानसिक रूप से करते थे परेशान। पिता ने पुलिस में कराया मामला दर्ज। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में युवक ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। पुलिस जुटी मामले की जांच में। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। सवाईमाधोपुर में महिला ने की आत्महत्या। पिछले कई महीने से चल रही थी डिप्रेशन में। 5 महीने पहले हुई थी बेटे की मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। यूपी के शाहजहांपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला। नवजात शिशु का शव मिले से मची सनसनी। पुलिस जुटी मामले की जांच में। पाली के मारवाड़ जंक्शन में 2 बाइकों की टक्कर। हादसे में एक मौत। चालक के सिर में चोट लगने से तोड़ा दम। यूपी के हरदोई के बिलगांव में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने किया हंगामा। नवजात शिशु को जिला हॉस्पिटल किया रेफर। चौकी निवाई में उपखंड अधिकारी ने सीएचसी का किया निरीक्षण। हॉस्पिटल में गंदगी पाए जाने पर जताई नाराजगी। कोरोना को लेकर चिकित्सा कर्मियों से लिया फीडबैक। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।